हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों? तो बेटा, हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अगले वीडियो में बेटा आ चुके हैं। तो बच्चों, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहले मैंने आपको शॉर्टकट से बताया था कि भाई शॉर्टकट मेथड से कैसे आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। फिर मैंने डेफिनेशन से भी बताया था। तो आज बेटा हम लोग, नीचे लिंक दिया गया बेटा, पुराने सारे वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा और भी जैसे सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के भी लिंक मैंने नीचे दिए हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का भी लिंक दिया है ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन उसका भी लिंक दिया गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी सीक्वेंस सीरीज होता है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। पावर सीरीज उसका हालांकि लिंक नहीं दिया गया, आप प्लेलिस्ट पे जाके या टॉपिक के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप लिख दीजिए टॉपिक का नाम, लिख दीजिए आप, लिख दीजिए पावर सीरीज और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो निकल के आ जाएगा। आप लिख दीजिए लीनियर अलजेब्रा बाय HD मैथमेटिक्स, तो निकल के आ जाएगा। टॉपिक का नाम और बाय HD मैथमेटिक्स लिखिए, अगर मैंने पढ़ाया होगा तो निकल के आ जाएगा। आज बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये देखेंगे कि अगर हम किसी फंक्शन को ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम डेफिनेशन से कैसे उसको प्रूव करेंगे, डेफिनेशन की हेल्प से, है ना। देखो ध्यान दो, तो ध्यान देना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव एनी फंक्शन, टू प्रूव एनी फंक्शन टू बी नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, मतलब हम किसी फंक्शन को ये कैसे प्रूव करेंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन की हेल्प से। इस बात को जरा बच्चों यहां पर समझो। देखो क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए देखो यहां पर ये चीज यूज करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एनी एप्साइलन पॉजिटिव, मतलब कोई एप्साइलन पॉजिटिव हमको दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई, मतलब ऐसे एक्स वाई हमको मिल जाएंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, आई का मतलब इंटरवल, जिस इंटरवल में हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, उसी इंटरवल में। आई का मतलब यहाँ इंटीजर से नहीं है, आई का मतलब है गिवन इंटरवल, जिस इंटरवल में प्रूव करना है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, वही इंटरवल है ना। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू दैट इंटरवल सच दैट ये सिंबल किसका, सच दैट व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा वी हैव मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन, बस हमें ये बात प्रूव करनी होगी। देखो ध्यान दो, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता था तो वहां पर वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता था, है ना। यहां पर एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन हो जाता था जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता था तब, लेकिन चूंकि हमें कंटिन्यूअस नहीं प्रूव करना है तो हमें इस बात को यहां पर प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हमें एप्सिलॉन एक मानकर चलना होगा और हमें बताना होगा कि देखो ऐसे एक्स वाई हैं, एप्सिलॉन हमें कुछ मान लेना होगा पॉजिटिव, और बताना होगा कि देखो भाई ऐसे एक्स वाई मिलते हैं कि अगर आप एक्स वाई का डिफरेंस डेल्टा से कम करोगे तो एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाएगा। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन की हेल्प से बेटा इस पूरी बात को देखो यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन हमें दिया गया कि एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स ऑन इंटरवल 0,1 प्रूव दैट इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो देखो ये क्वेश्चन हम अपने शॉर्टकट तरीकों से पहले भी कर चुके हैं, मैंने कराए थे आपको सारे क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके मैंने बताए हैं, पुराने वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, वहां पर ये क्वेश्चन आप दो दो सेकेंड में खत्म कर देंगे, इतने अच्छा तरीका मैंने बताया है। लेकिन पुराने सारे वीडियो आपको पढ़ना होगा, नीचे लिंक दिया गया उसको पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन आज हमें ये सवाल डेफिनेशन से करना है, शॉर्टकट मेथड से नहीं करना। देखो ध्यान दो, हमें प्रूव करना है इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। देखो इसका तरीका ये है, हम एक्स और वाई मान लेंगे कि वो 0,1 के बीच में है, कुछ भी हम एक्स और वाई 0,1, मतलब 0,1 क्या है, एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल, मतलब 0,1 का मतलब आप जानते हैं बहुत सारी वैल्यूज जो 0 और 1 के बीच में है, मतलब एक्स वाई 0 और 1 के बीच में यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा
अब देखो हमें एक एप्सिलॉन लेके चलना पड़ेगा। एप्सिलॉन कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हमने कहा मान लो कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो 1/2 है, मान लो, मैंने कहा ऐसा मान लो कि एप्सिलॉन जो है वो 1/2 है। देखो अब थोड़ा हम दिमाग लगाएं, कुछ ऐसा लें एक्स वाई कि वो उसका डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा आए, कुछ ऐसा एक्स वाई लें। तो हमने कहा काम करते हैं एक्स को ले लेते हैं 1 और वाई को ले लेते हैं 1/2। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि हमें ये डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से ज्यादा चाहिए। एप्सिलॉन मैंने ये मान लिया, मान के चलना। इससे देखो क्या फायदा होगा, जब हम एफ एक्स माइनस एफ वाई करेंगे उसका मॉड, तो क्या होगा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब एफ वन और एफ वाई का मतलब एफ हाफ। एफ वन क्या हुआ, एफ वन निकालो, एक्स को 1 रखोगे तो एफ वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ हाफ निकालो, एक्स को हाफ रखोगे तो एफ हाफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, मॉड ऑफ 1 - 2 मतलब मॉड ऑफ -1 मतलब 1। तो देखो ये जो डिफरेंस है ये 1 से बड़ा आ गया, मतलब ये डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा आ गया जो हम चाहते थे। तो ये एक्स वाई हमने ऐसे लिए। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेल्टा कुछ भी ले लें। देखो डेल्टा क्या हुआ, एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा है ना, तो एक्स माइनस वाई, एक्स का मतलब 1 और वाई का मतलब हाफ का मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ का मॉड हाफ रहेगा। तो मतलब हम डेल्टा जो है वो 1/2 से बड़ा कुछ भी ले लें। मान लो मैंने डेल्टा को ले लिया 0.6, तो ये 1/2 से बड़ा। तो इसका मतलब देखो ऐसे एक्स वाई है कि अगर हम एक्स और वाई का डिफरेंस इस नंबर से छोटा लेंगे तो एफ एक्स और एफ वाई का डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एक्स और वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो पहले हम ये डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद अपना ये प्रोसेस कर देंगे, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ भाई लड़के ने बच्चे ने कर दिया है सवाल, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगी ये बात कि भाई हमारा एफ एक्स और एफ वाई का डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा आ गया। लिख दो ग्रेटर देन एप्सिलॉन इसको, है ना। और हम डेल्टा कुछ भी ले लें क्योंकि डेल्टा इससे बड़ा लेना है, इससे बड़ा डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं, कोई भी डेल्टा यहाँ पर हम ले सकते हैं जो इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि ये फंक्शन इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, फिर हम लोग यहाँ पर और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, टेंशन नहीं पालना बच्चों। देखो एक सवाल हम लोग देखो यहाँ पर और भी करते हैं, इसको लिखो जरा ध्यान से। मेरे मितवा मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे, मेरे गीत रे मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मित्रे, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, हो इससे पुरानी एक कहानी तेरी मेरी प्रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मीत। देखो बच्चों एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, इसको प्रूव करना है ये रियल लाइन पर, ये फंक्शन रियल लाइन पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। ये फंक्शन जो है क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन रियल लाइन, ये शॉर्ट पर लिखा है कंटिन्यूअस, है ना। तो इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मतलब साइन 1/x जो है वो रियल लाइन पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। देखो आसान है, क्या करना है, फिर वही कि सबसे पहले आप एक्स वाई मतलब एप्सिलॉन को ही ले लो। मान लो मैंने एप्सिलॉन को हाफ ले लिया, है ना, ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा अब आप एफ एक्स और एफ वाई ऐसे लो कि उसका डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि एक्स को ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल
वन बाई पाई है ना, और वाई को ले लेते हैं टू बाई पाई, ऐसा लेना है जिससे ये डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा आए। देखो चेक करें, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या आता है, देखें एफ एक्स का मतलब है ना एफ ऑफ वन बाई पाई, और एफ वाई का मतलब एफ ऑफ टू बाई पाई। देखो ध्यान दो, एफ ऑफ वन बाई पाई क्या होगा, एक्स को रखो वन बाई पाई तो साइन पाई बन जाएगा ना, तो साइन पाई बन गया। एफ को रखो टू बाई पाई, एक्स को रखोगे ना टू बाई पाई रखोगे तो साइन पाई बाई टू बन जाएगा, साइन पाई बाई टू यहां बन जाएगा। अब साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो मॉड ऑफ माइनस वन मतलब वन हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन से बड़ा हो गया, मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है ये क्या हो गया, एप्सिलॉन से बड़ा हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब हम डेल्टा कोई भी सेलेक्ट कर लें, डेल्टा हम कोई भी ले लें जो कि है ना मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से बड़ा हो, तो डेल्टा मतलब एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। एक्स क्या है वन बाई पाई, तो वन बाई पाई, और वाई क्या है टू बाई पाई, तो लेस देन डेल्टा। तो ये वन बाई पाई हो गया, तो वन बाई पाई लेस देन डेल्टा, तो हम डेल्टा वन बाई पाई से बड़ा कुछ भी ले लें। तो मान लीजिए मैंने डेल्टा जो है वो फॉर एग्जाम्पल वन बाई टू ले लिया, बोलो, या वन बाई थ्री ले लिया, भाई समझो ऐसे समझो कि पाई थ्री से बड़ा होता है, पाई का मतलब 3.14, तो वन बाई पाई क्या हो गया, वन बाई थ्री से छोटा हो गया, तो हम डेल्टा जो है वो वन बाई पाई से बड़ा लेना है, तो डेल्टा को हम वन बाई थ्री ले सकते हैं क्योंकि वन बाई थ्री जो है ना वो वन बाई पाई से बड़ा है। तो अगर हम डेल्टा ये ले लें, कुछ भी ले लें इससे बड़ा, डेल्टा बहुत से हो सकते हैं, अगर हमने एप्सिलॉन ये लिया और एक्स वाई ये लिया तो इसका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा कि आपको शो करना होगा कि आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है शो करिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे और ये उसके फेवर में एग्जाम्पल लिख देंगे, है ना भाई। किसी भी चीज को प्रूव नहीं करने के लिए उसका एग्जाम्पल जो है वो सफिशियंट होता है, वही हमें यहाँ पर करना है। तो टेंशन नहीं पालो बच्चों, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के हमने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, सारे वीडियो बेटा स्टार्टिंग से पढ़ लो, बहुत कुछ आपको आ जाएगा। इस वीडियो बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।